समय की बड़ी और अहम खबर सलोन से आ रही है। हम आपको बताएं कि सलोन थाना क्षेत्र के बरियार का पुरवा के पास में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के इनामिया बदमाश के पैर में गोली लगी है। हम आपको बता दें कि बीती रात सलोन थाना क्षेत्र के बरियार का पुरवा के पास पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामिया बदमाश के पैर में गोली लग गई है। हम इस समय की आपको अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं, उसका एक साथी मौके से ही फरार हो गया है। हम आपको बता दें कि बदमाश के पैर में गोली लगी है और गैर जनपद का रहने वाला है मोनू उर्फ शकील। इसका नाम मोनू उर्फ शकील बताया जा रहा है, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। सलोन क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से एक तमंचा व बाइक बरामद हुई है। अहम और बड़ी खबर सलोन से आ रही। सलोन से अभय सिंह, प्रदीप, मनीष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज सुबह थाना सलोन क्षेत्र में जनपद प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे थाना सलोन और एसओजी की टीम एक वांछित अभियुक्त के तलाश में थी। इसके क्रम में उनके द्वारा मोनू उर्फ शकील, जो कि एक 25,000 रुपये का इनामिया अपराधी है और लूट के कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं और यहाँ से भी यह वांछित चल रहा था, इसके साथ पुलिस एंगेजमेंट हुआ, जिसमें इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस पार्टी ने इस पर फायरिंग की और इसे पैर में गोली लगी है। इसे यहाँ तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया है। इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसने लूट की घटनाओं सहित अन्य कई घटनाओं के बारे में इनपुट्स दिया है, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके और जो भी साथी थे वो पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसने जो अभी बातें बताई हैं उस पर हम लोग और अभी डेवलप करेंगे। पूछताछ करते हुए इसका इलाज उपचार कराते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। सर, गिरोह के अभी और भी लोग बाहर चल रहे हैं, क्या सूचनाएं मिल रही हैं? जो घटना जनपद रायबरेली में हुई थी उसमें इसके साथ जितने भी लोग थे उन सभी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वांछित चल रहा था और इसमें 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, इसे आज गिरफ्तार किया गया।